सर जो ये मतलब ड्रग एडिक्शन है ये कॉमन मतलब काज बन गया है हमारे समाज में ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे मतलब ऐसे मतलब केसेस आ रहे हैं हमारे मतलब समाज में जिसने काफ़ी एक ह्यूज इम्पैक्ट हमारे मतलब समाज पे क्रिएट किया है और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान होता है हमारे समाज को। आजकल हम देख सकते हैं कि मतलब आए दिन कोई ना कोई मतलब ऐसा यू नो डेलिंक्वेंट ऐसे होते हैं मतलब जो आते हैं समाज में और फिर जो मतलब ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो मैं ये यूथ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राबी आती है मतलब उस इंसान की ह्यूमन लाइफ पे एक इम्पैक्ट बुरा सा पड़ता है मतलब जो भी उसके अंदर मतलब ऐसे मतलब एलिमेंट्स होती है लाइक हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है वो इस मतलब चीज़ से उठती है। एंड ऑल्सो मतलब आजकल हम देख सकते हैं हार्ट अटैक्स की मतलब जो रिस्क है वो बढ़ गई है हमारे समाज में इट्स बिकॉज ऑफ द ड्रग एडिक्शन। अगर हमें अपने आप को बचाना है अपने मतलब जो हमारे यूथ है उनको महफूज रखना है तो इस चीज़ से हमें दूर रहना है। तो जो भी ड्रग एडिक्शन में बोला एक्चुअली जो ये हम मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम करते हैं ये ज़रूरी है लेकिन इसके बगैर हमें एक मतलब कुछ ऐसा स्टेप उठाना है जो प्रैक्टिकल होगा जिसमें यूथ को एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाए। लाइक इससे पहले जब हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किए तो उस वक्त हम डिमांड कर रहे थे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की। उसके बाद जब वो स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने मतलब हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए तो वो एक काफ़ी ज़्यादा उससे चेंज आई क्योंकि जितने भी काज रहते हैं अगर आपको मतलब किसी इंसान को प्रिवेंट करना है फ्रॉम ड्रग एडिक्शन वो अपने आप को एनरोल करता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में जिसकी वजह से उसको क्या होता है मतलब वो बच सकता है। तो आई थिंक रिहैबिलिटेशन सेंटर इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ यू नो अब्यूज़ एंड ऑल द थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर हम चाहें तो हम रोज़मर्रा इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं ऐसे रिलीज भी निकाल सकते हैं जो कि आज हम जो क्या आज हमें करना है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब अगर ऑफ कोर्स उनके साथ मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है ताकि जिस लत में वो फंस गए हैं उससे वो वापस आ जाए टू ओवरकम फ्रॉम दैट यू नो उसको मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है। लाइक आपने मतलब काउंसलिंग के बारे में बोला आई थिंक दीज आर द बेस्ट वेज हमें उनके साथ रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए उनको चांस देना चाहिए टू बिकम समथिंग यू नो टू ओवरकम फ्रॉम दिस यू नो आई कैन से अब्यूज़ और यू नो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न हर एक फंस गए इसमें तो हमें चांस देना चाहिए लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए उनको मतलब अपने समाज से निकाल देना चाहिए। दीज आर द डर्टी थिंग्स आई थिंक सो उनको चांस देना चाहिए एंड इट्स द बेस्ट वे क्या मुझे स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी क्योंकि यूथ जो होता है वो मतलब एक बिल्डर होते हैं सोसाइटी के। जब यूथ फंस जाएंगे इस लत में तो डेफिनेटली सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ जाता है जिसकी वजह से वो सोसाइटी ब्रेक हो सकती है। तो अगर हमें बचाना है अपने आप को सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकालना चाहिए।